हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं द क्राउन रूल के बारे में। हमने लास्ट लेक्चर्स में और लास्ट के दो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने द कंपनी रूल को खत्म कर दिया था, और हमको पहले को बताया था मैंने कि कंपनी रूल के खत्म होते ही डायरेक्ट शुरू हो जाएगा द क्राउन रूल। तो क्राउन रूल यहाँ पे शुरू होता है, और क्राउन रूल का पहला एक्ट था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उसके पहले रुको, एक और चीज़ थी कि मुझे किसी बच्चे ने और बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज करके ये कहा था कि सर आपके वीडियोस बहुत लंबे होते हैं। तो मैं उन्हें एक चीज़ बताना चाहूँगा कि भाई ये 15 सेकंड की कोई रील की या टिकटॉक की वीडियो नहीं है जहाँ मैं मुजरा कर रहा हूँ। ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके लेक्चर्स और इसके जो आपके पास टाइम नहीं है, इट्स ओके, आप उनको पॉज कीजिए, आप वॉट लिस्ट के अंदर ऐड कर लीजिए, और आपको जब टाइम मिले रात को बैठो तब उनको एयरफोन डाल के शांति से उसकी नोट्स बनाओ तब देखो। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको अभी ऑन द स्पॉट देखो, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब लास्ट लेक्चर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, वो वाला गन वाला जिसके अंदर सोल्जर्स ने विद्रोह कर दिया था। विद्रोह इसलिए हुआ था क्योंकि सोल्जर्स को ये बताया गया था, सोल्जर्स ने पकड़ लिया था वो चीज़ को लेकर कि जो हम गन यूज़ करते हैं, जो हम कारतूस यूज़ करते हैं उसके अंदर गाय की चर्बी या फिर सूअर की चर्बी यूज़ होती है। तो वहाँ पर इक्वालिटी के रूप में हिंदू मुसलमानों ने विद्रोह किया था, और वही हमारी फर्स्ट इंडिपेंडेंट फाइट थी। याद रखना, फर्स्ट इंडिपेंडेंट फाइट हुई थी 1858 के अंदर हुई थी, ठीक है। और एक चीज़ उस चीज़ को नज़र में लेते हुए इन लोगों ने कुछ चेंजेस किए। उन लोगों ने क्या कहा कि यार देखो, इंडिया के अंदर सब लोग एक साथ रहते हैं, एकता रह रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम गवर्नमेंट को जो क्राउन रूल है उसका नाम चेंज करके हम कर देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर देते हैं, ठीक है। तो उन लोगों ने यहाँ पर नाम चेंज किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, कि अब जो कुछ भी काम होने वाले हों इंडिया के लिए काम होंगे, रूल हम करेंगे बट डिपार्टमेंट तुम्हारे होंगे। तो उन लोगों ने एक स्पेसिफाई बहुत चीज़ों को यूज़ किया था। देखो वो लोग बहुत दिमाग वाले थे, उन लोगों क्या यूज़ किया था कि एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट। क्या कहा था, एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि हम लोग जो काम करेंगे और गवर्नमेंट के हित क्या वो इंडिया के लिए अच्छा होगा, और हम लोग उसी तरीके से हमारा तंत्र बनाएंगे। तो सबसे पहले उन लोगों ने क्या किया, ये देखो जो कुछ भी हुआ था ये उनके लिए हुआ था, ठीक है, हमारे लिए कुछ हुआ नहीं था। पहली चीज़ क्या हुई कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट में मुझे बताइए कि पहला गवर्नर जनरल कौन था, कमेंट बॉक्स में लिखिए। दूसरी चीज़ कि उन लोगों ने गवर्नर जनरल इंडिया को चेंज करके क्या कर दिया, वाइसरॉय ऑफ द इंडिया कर दिया। क्या किया, वाइसरॉय ऑफ द इंडिया। वो कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे, और वो फर्स्ट थे। अब एक और चीज़ आपको बताता हूँ, हमने लास्ट लेक्चर में एक चीज़ बताई थी कि यही इंसान कौन था, कमांडर एंड चीफ था, आपको याद होगा। तो मैं लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि ये इकलौता ऐसा इंसान है जो गवर्नर जनरल भी रहा था और कमांडर इन चीफ भी यही बना था, ठीक है, इसके बाद कोई नहीं बना था। तो ये चीज़ मोस्ट ऑफ एग्जाम में पूछी जाती है कि एक ही पद के ऊपर ये लोग कौन कौन था, मतलब दोनों पद को या फिर दोनों पोजिशन को कौन एक ही इंसान एक ही टाइम पर एग्जिस्ट करके दोनों को चला रहा था, तो कौन था, लॉर्ड कैनिंग, ओके। दूसरी चीज़ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक और चीज़ बताई थी, क्या बताई थी, BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोल, COD कंट्रोल ऑफ बोर्ड, दोनों को निकाल दिया गया। क्यों, दोनों को निकाल दिया, और वहाँ पर क्या क्या गया, एंड ऑफ द डबल गवर्नमेंट। जो दो पैनल्स थी कि एक पैनल चलाएगी एडमिशन स्टाफ और एक चलाएगी लॉ, मतलब एक लॉ बनाएंगे दूसरे लॉ को पालन करना सिखाएंगे। तो इन लोगों ने एंड किया किस चीज़ का, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर का, दोनों को यहाँ पर खात्मा कर दिया। उन लोगों को बोला कि तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम देश को अपनी तरीके से, हमारी गवर्नमेंट हमारे तरीके से चलाएगी, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या कहा, इन लोगों ने कहा कि हम एक ऑफिस बनाएंगे, हम लोग एक सिस्टम बनाएंगे, उसका नाम दिया SOS। देखो आप SOS का समझ रहे हो, अब वो जिसमें क्या कहा था कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, मतलब इसके अंदर कौन लोग बैठने वाले हैं, तो ब्रिटिश कैबिनेट के मंत्री बैठेंगे। जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना कैबिनेट मिनिस्टर, कि भाई ये इंसान ये मिनिस्टर है तो ये पूरा तंत्र इसका होगा, तो उसी तरीके से उस टाइम पे लंदन के अंदर कुछ अपने जो कैबिनेट के मिनिस्टर थे वही लोग इसके अंदर बैठने वाले थे, और वही लोग SOS को, मतलब सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को चलाने वाले थे, ठीक है। अब उसमें एक और चीज़ थी कि इसके कितने मेंबर्स होंगे, तो मोस्ट ऑफ पूछा जाता है कि इसके 15 मेंबर्स होंगे, और इसके अंदर इंडिया को अलाउड था, तो हाँ इंडिया को अलाउड था, बट इंडिया के अंदर ये प्रावधान दिया गया था कि इंडिया के लोग होंगे ना वो कौन होंगे, कि जो राजा रजवाड़े थे उनके बेटे थे वही लोग आएंगे। क्यों, क्योंकि इस पूरे बिल को इस तरीके से क्रिएट किया गया था, इस तरीके से बनाया गया था कि आम जनता जो नॉर्मल पब्लिक है वहाँ तक ना पहुँचा जा सके। तो इन लोगों ने इस तरह क्रिएट किया कि इंडियन के जो बड़े बड़े राजा रजवाड़े हैं जो इनके पक्ष में थे वही लोग इसके अंदर ऐड हो पाएं, ठीक है। और उन लोगों ने ऐड एक और चीज़ बोल दी, क्या बोली बताएं, कि अब ये जो इंडियन लोग आ रहे हैं ना हमारे साथ वो लीगल बॉडी गिनाएंगे। लीगल बॉडी मीन्स कि भाई जो हम कह रहे हैं वही सेम पावर उनकी होगी। ये सिर्फ लिखने के लिए था कि वो लीगल बॉडी है, बट अंदर क्या चल रहा है वो आपको दिख रहा था कि भाई इन लोगों को कुछ भी पावर नहीं थी इनके पास,
ये सब के सब निठल्ले बैठे थे यहाँ पर, और कुछ पावर के पास थी नहीं इनडायरेक्टली, ठीक है। सारा का सारा कौन चला रहा था, तो ब्रिटिश कैबिनेट के जो 15 मेंबर्स थे वही रूल कर रहे थे इंडिया के ऊपर उस टाइम पर, जहाँ पर इन लोगों ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर को हटा दिया था, ठीक है। तो ये था तुम्हारा पहला गवर्नमेंट ऑफ एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है, जिसके अंदर ये प्रावधान दिए गए थे, ये चीज़ें थी। अब हम देखते हैं कुछ चेंजेस और आए इसके बाद, कुछ चीज़ें और आई, तो कब आई थी, तो ये बात आई थी इंडियन काउंसलिंग एक्ट, काउंसलिंग एक्ट, ठीक है। तो पहला कब आया था, तो 1861 के अंदर आया था। तो इसके अंदर इन लोगों ने एक और चीज़ ऐड की, क्या चीज़ ऐड की, कि जो इंडियन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे उनको ऐड करो, किसको, इंडियन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को। ये लोग ऐसे लोग थे जिन्हें डायरेक्ट अपॉइंट करेगा कौन, वाइसरॉय। वाइसरॉय कौन था उस टाइम पे, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग इनको डायरेक्ट अपॉइंट करेगा। तो मोस्ट ऑफ एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडियन मेंबर्स ऑफिशियली, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ थी कि 15 मेंबर्स को बिठाया जाएगा, बट इनके पास कोई पावर नहीं थी, क्योंकि ये लोग उनकी मिले हुए लोग थे, सिर्फ नाम के लोग थे। 15 में से 14 लोग तो इनके खुद के होते थे, और एक आधा होता था जो वहाँ पे काम करो उसको बुलाया, जा 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 बैठ जा, ये लोग वो लोग थे, ठीक है। बट अब उनको समझ में आ रहा था, इंडिया को समझ में आ रहा था कि भाई अब ये हमारे खिलाफ होने की कोशिश धीरे धीरे शुरू कर दी है, क्यों, क्योंकि हमने पहले फाइट यहाँ पे लड़ ली थी ऑलरेडी। तो उनको दिख रहा था कि इनको हमारे साइड ऐड करो, वरना ये लोग इन फ्यूचर हमारे अगेंस्ट तो होने वाले हैं, ठीक है। अब उनको यहाँ पे पहली झलक दिखी थी, अब उस चीज़ को बचने के लिए लोगों ने क्या कहा, ये लोग आके काम करते हैं कि वाइसरॉय खुद अपॉइंट करेगा कुछ लोगों को, वो लोग कौन होंगे। तो तीन लोगों को हमने सबसे पहले अपॉइंट किया था, पहला कौन था, तो राजा ऑफ बनारस, महाराजा, और फिर तो लास्ट में ये मोस्ट ऑफ आया था कि सर दिनकर राव, इनको भी ऐड किया गया था, ठीक है। इनके बारे में सबको याद होता है कि राजा महाराजा थे, इसलिए इनको ऐड कर लिया गया, बट ये इंसान जो कॉमन इंसान था, तो कौन था, सर दिनकर राव, इनको ऐड कर दिया गया था। और वो सबसे पहले तीन ऑफिशियल मेंबर्स, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो इनके अंदर ऐड हुए थे इस काउंसलिंग के अंदर। और इनको ऐड किसने किया था, इनको ऐड किया था वाइसरॉय ऑफ इंडिया, तो लॉर्ड कैनिंग ने इनको ऐड किया था, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एक और प्रावधान दिया गया 1861 के अंदर, और एक और चीज़ भी बताएगी, और चीज़ क्या बताएगी, कि सम लॉ पावर्स टू द बॉम्बे एंड मद्रास, कुछ पावर्स दी गई। कुछ पावर्स क्यों दी गई बताएं, क्योंकि सारी पावर्स तो वाइसरॉय के पास ऑलरेडी थी, उसके पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास थी, ठीक है, सारी पावर्स ये लोग एग्जिस्ट कर रहे थे। बट इनको ये प्रूव करना था कि भाई जो नॉर्मल इंसान है, या फिर जो नॉर्मल और जो रजवा रजवाड़े हैं, या और जो कॉलोनीज बनी हुई है, जो और जो नए बड़े स्टेट्स हैं, उनके पास पावर है ही नहीं। तो उनको पावर देने के लिए उनको कहा गया कि आप ठीक है, आप अपने स्तर पे, आप देखो, आप सेंट्रलाइजेशन जो होगा ना ऊपर, जो मेन गवर्नमेंट बैठती है दिल्ली बैठती है अपनी, तो आप वहाँ चेंज नहीं कर सकते हो, बट आपको आपके स्टेट के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हो। तो वही पावर्स इनको दी गई मद्रास को और बॉम्बे को, कि आपको आपके स्टेट के अंदर कोई भी चेंजेस करने हैं, नॉर्मल से चेंजेस करने हैं, वो कर सकते हो, बट आपको ऊपर के लेवल तक नहीं आना है, आपको अपने टाइम पर जो चेंज करना है करते रहो। उसके बाद आया कि न्यू लेजिस्लेटिव काउंसलिंग, अभी एक बहुत मस्त पॉइंट आता है यहाँ पे, इसमें क्या हुआ था, तो उन लोगों ने कहा कि देखो बॉम्बे मद्रास तक तो ठीक था, बट अब कुछ ऐसी चीज़ें आ रही थी, तो पब्लिक बढ़ती जा रही थी। देखो हमको पता है कि देश की आबादी धीरे धीरे बढ़ती है, ठीक है, आज तो हम विश्व के दूसरे नंबर पहुंच चुके हैं, तो वहाँ पे उस टाइम पे आबादी बढ़ रही थी, और नए नए स्टेट्स का उजागर ऑन द स्पॉट उस टाइम पे होने पर धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो उन लोगों ने एक चीज़ लगाई कि न्यू कुछ लॉ में काउंसलिंग को बनाया जाए, जो उन राज्यों के ऊपर जाके रहेंगे, उन पब्लिक के पास रहेंगे, जो पब्लिक से हम अछूत हैं, मतलब हम उनको कभी छू नहीं पाए, मतलब हम वहाँ तक पहुँचे नहीं, इन द सेंस कि उनको छूना ऐसे नहीं था, वहाँ तक हम टच नहीं कर पाए, वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, बट हमें वो एरिया भी कवर करना है। तो उस कवर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो वहाँ पे हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसलिंग को अपॉइंट करेंगे, मतलब एक ऐसी ऑफिस बनाएंगे कि जो हमारे अंडर काम करेगी, पब्लिक भले वहाँ की होगी, भले वहाँ का नेता होगा, वहाँ का लीडर वहाँ का होगा, बट वो हमारे लिए काम करेगा। तो सबसे पहले बनाया गया बंगाल के अंदर भी एक बनाया गया। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे ऑलरेडी बंगाल के अंदर तो था, बट बंगाल से निकाल दिया था, क्योंकि देखो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट कर दिया था, तो बंगाल से ऑटोमेटिक उसकी पावर्स जारी थी। उसके बाद वाइस ऑफ इंडिया बना दिया, तो ऑटोमेटिक इसके अंदर में लॉर्ड कैनिंग के अंदर में पूरा इंडिया आ रहा था, ना कि पर्टिकुलर स्टेट आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे बंगाल को बना दिया गया। उसके बाद उसको कब, बंगाल को कब बनाया था, तो 1862 में बनाया था। उसके बाद नॉर्थ एंड वेस्ट के कुछ पार्ट्स थे, उनको बनाया गया, तो उनको कब बनाया गया, तो 1866 में बनाया गया। उसके बाद लास्ट में पंजाब को पावर दी गई, और पंजाब के अंदर बनाया गया।
तो वो कब बनाया है, तो 1897 में बनाया गया। ठीक है, ये आपकी न्यू लेजिस्लेटिव काउंसलिंग को क्रिएट किया गया था जिससे कि वो लोग उस हिस्से तक भी पहुंच सके कि जिस हिस्से तक अभी तक वो लोग एंट्री नहीं किए थे। ठीक है, अब लोग धीरे धीरे उस चीज़ को अपना कर रहे थे कि कैसे भी करके इंडिया को सब जगह से घेर लो और सब जगह से अपना शासन को और बिल्डअप करो। उसके बाद उन लोगों ने इसलिए नया सिस्टम को अपनाया था, उन लोगों ने क्या सोचा कि इंडिया वालों को है ना एक थोड़ा सा ट्रिक में डालते हैं। उन लोगों ने क्या कहा कि हम लोग पोर्टफोलियो सिस्टम बनाएंगे। क्या करेंगे, पोर्टफोलियो सिस्टम। और पोर्टफोलियो सिस्टम में क्या होगा कि जितने भी रूल बनाने हैं जो कुछ भी है वो सब कौन बनाएगा, लॉर्ड कैनिंग मतलब वाइसरॉय ऑफ द इंडिया वही बनाएगा। और ये कब स्टार्ट हुआ था, तो 1859 में स्टार्ट हुआ था। मेन चीज़ सीख गया कि वो रूल बना सकता है। दूसरी चीज़ इसने एक और चीज़ लाई थी कि इसी के शासन के अंदर इसने एक जो और चीज़ लेके आई कि इंडिया के अंदर किसी को बिजनेस करना है या किसी बाहर वाले इंसान को बिजनेस करने आना है तो वो इंसान यहाँ पे फ्रेंकली और ट्रांसपेरेंटली मतलब कोई भी ऐसा कुछ नहीं कि भाई हिडन चार्जेस डाल दिए, यहाँ पे टैक्स ले लिया, यहाँ पे वो ले लिया, बट हर वो चीज़ जो लीगल चल रही है वही चीज़ करने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों ने इस पोर्टफोलियो सिस्टम को लेके आए थे कि जिसके अंदर डिवाइड किया गया था हर चीज़ को लेके कि भाई ये चीज़ें बिजनेस में आएंगी और ये चीज़ें मिलिट्री में आएंगी, ये चीज़ें पॉलिटिकल फंक्शंस में आएंगी और ये एडमिशन स्टाफ में आएंगी। हर वो चीज़ को यहाँ पे इन लोगों ने डिवाइड कर दिया किसके अंदर, पोर्टफोलियो सिस्टम के अंदर। और ये किसके अंडर में काम करेगा, तो लॉर्ड कैनिंग वाइसरॉय के अंदर में काम करेंगे वो हर एक इंसान जो इसके अंदर काम करते हैं। ठीक है, और हर वो रूल हर वो चीज़ जो बनानी होगी वो किसके अंडर से पास होंगी, तो वाइसरॉय के अंदर से पास होंगी। एक और चीज़ थी लास्ट में, इस लोगों ने धीरे से एक चीज़ को ऐड किया जो हम आज भी देखते हैं, क्या था, इशू ए ऑर्डिनेंस इन द इमरजेंसी सिचुएशन। कि कोई भी ऐसी सिचुएशन उस टाइम पे चल रही है कि जैसे सपोज कि इमरजेंसी उस टाइम पे लग गई, तो कोई भी ऑर्डिनेंस चल रहा हो, कोई भी प्रावधान चल रहा हो, या फिर कोई भी नया रूल बनाने की प्रोसेस चल रही हो, उसको 6 महीने तक हम डिले कर सकते हैं। ये पावर सिर्फ वाइसरॉय के पास थी। और एक चीज़ थी कि इमरजेंसी ना हो, कुछ भी ना हो, फिर भी ये इस टाइम पे वीटो का उपयोग कर सकता है। हम लोग वीटो को मैं आपको पढ़ाऊंगा अच्छे से, वो भी नेक्स्ट लेक्चर्स के जब वो पार्ट्स आएंगे, वीटो वाले पार्ट्स आएंगे तो वो बताऊंगा आपको तब की बात तब के। अभी ये समझ लो कि ऑर्डिनेंस ये चीज़ था कि किसी चीज़ को बनाने के लिए कहा गया, बट उस टाइम पे इमरजेंसी को लागू करना और इमरजेंसी के टाइम पे किसी चीज़ को हटाना, ये सब कुछ इसके अंदर आ गया था कि कहीं पे इमरजेंसी लगानी है तो ऑर्डिनेंस को पास कर दो, लग गई इमरजेंसी, हटाना है निकाल ले ऑर्डिनेंस, निकल गया सब कुछ। तो ये तुम्हारा सब कुछ था क्राउन रूल का पहला एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, पहली बार गवर्नर जनरल को बनाया हमने वाइसरॉय, दूसरा डबल जो गवर्नमेंट चल रही थी उसको हटा दिया, दूसरा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स को अपॉइंट किया, उनका उसके अंदर कितने मेंबर्स थे, तो उसके अंदर 15 मेंबर्स थे। उसके अंदर इंडिया की पोजीशन बहुत लो थी, पावर्स नहीं दी गई थी, बट ऐसा कह दिया गया था कि वो लोग लीगल बॉडी होंगे तो हम लोग मान भी गए थे, पता ही है इंडिया की पुलिस बहुत भोली है, तो हम लोग मान भी गए कि हाँ ठीक है लीगल बॉडी बना दिया, ठीक है मौज कर लेंगे, उसमें क्या हो गया। उसके बाद एक और चीज़ आई कि इंडियन काउंसलिंग एक्ट आ गया, उसके अंदर स्पेसिफाई कर दिया गया कि नहीं बॉस हम तो ऐड करना चाहते ही हैं, और इनको ऐड कौन करेगा, तो इनको ऐड करेगा लॉर्ड कैनिंग। तो पहले सबसे पहले 3 लोगों को ऐड किया गया, कौन कौन थे, तो राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, सॉरी हाँ पटियाला और सर दिनकर राव, इन तीनों को ऐड किया गया। उसके बाद कुछ वो पावर्स जो कुछ पावर्स जो मद्रास के पास बॉम्बे के पास नहीं थी लॉ बनाने की, उनको कही कि आप भी अपने अंडर के अंदर आपको जो लॉ बनाने आप लॉ बनाओ, बिंदास बनाओ, जाओ मौज करो। ठीक है, बट आप इस तरफ नहीं पहुंचोगे, यहाँ सेंट्रलाइजेशन तक नहीं पहुंचोगे, जहाँ पर ऊपर सेंटर है ना वहाँ तक आप नहीं पहुंचोगे, आपको वहाँ पे जो करना है आपको कर सकते हो, बट अगर लॉर्ड कैनिंग को लगता है कि वो चीज़ उसके पक्ष में नहीं है, फिर वो उसके अगेंस्ट कभी ना कभी फ्यूचर में आ सकती है, तो वो उसके खिलाफ ऑर्डिनेंस भी जाहिर कर सकता है। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद कि बंगाल को बनाए गए मतलब असेंबली बनाएगी, यहाँ पे लॉ काउंसलिंग बनाए गए, कहाँ पे, पंजाब नॉर्थ ईस्ट के वेस्ट के कुछ पार्ट्स को बनाया गया, पंजाब में बनाया गया था। उसके बाद पोर्टफोलियो सिस्टम को लाया गया, इसके अंदर हर चीज़ को डिवाइड किया गया। इसके अंदर एक चीज़ बताई गई कि ये पूरा पोर्टफोलियो सिस्टम होगा, इसके अंदर नए नए रूल बनेंगे, और वो रूल बनाने वाला कौन होगा, तो लॉर्ड कैनिंग होगा, अकेला इंसान वाइस ऑफ द इंडिया वही बनाएगा। दूसरी चीज़ इसने बिजनेस को ट्रांसपेरेंट किया, या फिर हिडन चार्जेस, या फिर कुछ को लोगों को झालसा देकर बताया जाता था कि आप वहाँ जाके बिजनेस कीजिए, ये कीजिए, आपको इतना बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, बट इसने क्या कहा कि जो भी लीगल चलता होगा वही बताओ। इससे होता ये था, ये हम आज भी यूज़ करते हैं,
इंडिया सिस्टम चलता है ना, वो इसके एक रीजन चलता है कहीं ना कहीं पे, कि इंडिया के अंदर बिजनेस करना कहीं बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत इजी बात है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने यहीं पे स्टार्टिंग किया था कि कुछ भी करके पूरी प्रोसेस को इतना ट्रांसपेरेंट रखा जाए कि इंडियन बिजनेस शांति से चल सके। ठीक है, दूसरा इशू ऑडियंस जो मैंने आपको बता दी इसके अंदर यह था। तो ये पूरा आपको मैंने रिविजन करा दिया और आपको पूरा बता दिया कि ये वो चीज़ थी। ठीक है, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आता है क्राउन रूल के अंदर,